अरे पता है क्या हुआ, कॉलेज की सारी लड़कियां बताओ मुझसे मेरे नोट्स मांगने लग गई। अरे माना मैं इंटेलिजेंट हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं अपने नोट्स बांटती फिरूंगी। भाई एक साल की मेहनत है मेरी, मैंने तो साफ मना कर दिया। ठीक किया ना मैंने? ठीक किया। और ये बताओ एग्जाम चल कैसे रहे हैं? एग्जाम्स ठीक ही जा रहे हैं। जाए तो जैसे मर्जी, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। अरे आ जाएगा ना यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो भाई बाकी जो मर्जी करो मेरी तरफ से, तो बिकॉज यू नो माई पेरेंट्स दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। अगर तुम्हारी एमबी नहीं ना हुई तो भूल जाना हमारी शादी होगी, और भी करना किसी और के साथ शादी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर आप ही शिव के बॉयफ्रेंड हो ना, मैंने इसे कितनी बार बोला कि मिलवा दे, पर ये है कि चुड़ैल इसके भाव ही नहीं खत्म होते। पर चलो फाइनली आज जाके हम मिल ही गए। चलो फाइनली मिले तो सही ना। बाय द वे आई एम रूपम, शिव की क्लासमेट और इसकी बेस्ट फ्रेंड भी। इसने आपको मेरे बारे में बताया ही होगा, ऑब्वियसली बताया ही होगा, बेस्ट फ्रेंड जो मेरे बारे में नहीं बताएगी तो और किसके बारे में बताएगी? एक्चुअली मैंने पठानकोट से हूँ, मेरे वहाँ ऐसे कॉलेजेस हैं नहीं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आके पढ़ना पड़ा। ऐसे रूपा, अगर आप अलाउ करें तो हम थोड़ी सी बात कर लें प्लीज। हाँ वैसे मेरी बात खत्म ही हो गई थी। बाय। पता नहीं आपको समझते क्या, एक बॉयफ्रेंड तो बना। चलो मैं भी चलता हूँ, एक्चुअली मेरी ओबराय बिल्डर्स का मीटिंग है। सो चलो ठीक है, ध्यान से जाना। ओके। अरे मंजीत भाई। अरे क्या हाल है? बस बढ़िया। अरे बड़े दिनों बाद कॉलेज आना हुआ यार। बस यार तेरी भाभी से मिलने आया हुआ था। भाभी? अपनी कॉलेज में? हाँ रुक दिखाता हूँ। वो देख मुझे तीन बंदे नहीं खड़े हुए, एक लड़का है, दो लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, जिसने यार वो अजीब सा टॉप पहन रखा डॉट डॉट वाला, वही तो मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ। एक मिनट, वो जो लंबे बाल वाली लड़की है? हाँ वही। एक सेकंड यार, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है जो उसके साथ लड़का खड़ा है ब्लू शर्ट में, अतुल? अतुल? हाँ अतुल, उसका बॉयफ्रेंड। भाई पहले तो हमें भी ये लगता था कि ये फ्रेंड्स हैं, मगर भाई सारी क्लास इनको कपल के नाम से बुलाती है, और फिर जिस तरह से कॉलेज में साथ रहते हैं भाई सारा कॉलेज इनको कपल का नाम देता है। हाँ जवाब दो। अरे भाई कौन है, क्या कौन है? मेरा फ्रेंड है। क्यों फ्रेंड है? हाँ ये बॉयफ्रेंड है। तुम मुझ पे शक कर रहे हो मंजीत? जो मर्जी समझो। वाओ ग्रेट फाइन। अतुल एक सेकेंड इधर आना। हाँ क्या हुआ? तुम मेरे क्या लगते हो? अरे लगने को लिपस्टिक थोड़ी नहीं जो लग जाए तुम्हारे यहाँ। इट्स नॉट फनी अतुल, बी सीरियस। इनको बताओ जरा तुम मेरे क्या लगते हो? अरे फ्रेंड है यार और कुछ भी नहीं, सिर्फ दोस्त। मिल गया सुकून, करवा ली मेरी बेइज्जती। जाओ यार प्लीज अपनी मीटिंग में जाओ, मैं भी पढ़ने जा रही हूँ। मंजीत कॉन्ग्रेट्स, अब आपके और हमारी कंपनी फाइनली मार्केट में कुछ नया लेकर आ रही है, सो आई होप वी डू समथिंग ग्रेट। श्योर सर। हेलो यार, कब से कॉल वेटिंग पे जा रही है? तू मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही है? यार अतुल से बात कर रही थी मैं। यार ये चल क्या रहा है? मतलब तू उस लंगूर के चक्कर में मेरा फोन होल्ड पे रखेगी? यार उसका अभी ब्रेकअप हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है वो बेचारा, उसको इस हालत में मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूं। तो तुझे कंधा बनने की क्या जरूरत है? यार देखो मंजीत, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ठीक है, और उसको मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूं, सो प्लीज। पर यार पता कितनी बुरी हालत हो गई एग्जाम में, 3 घंटे लिखना। हाँ हाथ भी दबा दे यार, 3 घंटे में हालत ख़राब हो गई लिखने में, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं बाकी पेपर कैसे दूंगी, और नेक की तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है यार। इधर देखियो इधर दबा। हाँ हाँ यार यहाँ पे बहुत बुरी हालत हो गई साले, हद में रहे हद में। मंजीत व्हाट द हेल, तुमने इसके ऊपर हाथ कैसे उठाया? चुप। हाँ एकदम चुप, इसका दिल टूटा हुआ है ना साला, अगर दिल टूटा हुआ था ना
तो एक बूंद पानी के हलक से ना उतरती तेरे, और यहाँ बैठा मसाज दे रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइयो, कि तुझे कहीं भी हाथ लगा रहा है तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? शिट मैन शिट, कितनी छोटी सोच है यार तुम्हारी। छोटी सोच है हां, आज यहाँ छू रहा है कल को वहां छुएगा और फिर पता नहीं कहां कहां छुएगा। शट अप मंजीत, शट अप। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं और ये सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ओके? नहीं नहीं नहीं, एक लड़का और लड़की कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते, वो फ्रेंड हो सकते हैं पर अगर वो बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं ना तो समझो ट्रेन गलत पटरी पे चढ़ चुकी है। शर्म तो आनी रही होगी ना ये बोल। शर्म तो तुझे भी नहीं आ रही होगी सब गुच्छे लड़ाते हुए। माइंड योर लैंग्वेज, ओके? ऑफ रेसी के साथ अब तू। अखियां दे कोल तेरी हसदी है फोटो जेड़ी वार-वार नैणा नूं रवावे। आजा मेरे कोल मैनू दे तू दुआ कर किते मेरी जान बच जावे। वे ओखा बड़ा जीना है हंजुआं नूं पीना है, दिल ते सवाल बड़े दस केड़ी गलो दित्ती है सजा। कब तक उसके ख्यालों में खोई रहेगी? 5 साल का रिलेशन था यार। सो वॉट यार, 5 साल का रिलेशन था यार, मैंने ना इसे बड़े बड़े रिलेशन टूटते हुए देखे हैं श्वेता। नहीं यार अतुल, हमारा रिलेशन ऐसा नहीं था, और नहीं मंजीत ऐसे है। अच्छा जब ऐसा नहीं था तो क्यों छोड़ गया तुझे? देख उसने ना खामा खाना गलत फहमियाँ क्रिएट करा और तुम्हें गलत साबित कर कर ब्रेकअप कर कर चला गया। वो ये सब ना उनके चोचले होते हैं श्वेता। यार देख मैं समझ सकता हूँ, ऐसे किसी को भूलना नहीं इजी नहीं होता। तू ही देख, जब मैं मुसीबत में था तूने मुझे संभाला ना, अब जब तू मुसीबत में है तो मैं संभालूंगा ना तुझे। ऐसा करते हैं आज रात ना पार्टी करते हैं मेरे घर पे, ओके? आ गए तू? कमिंग 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 कमिंग। अरे यार वो कॉल तो मैंने कर दी है सबको, आते ही होंगे। चलो तुम बैठो तो सही पहले। सो हियर इज योर ड्रिंक। नहीं यार मूड नहीं है। मूड नहीं है? ऐसा कैसे मूड नहीं है? नहीं है मूड। चलो पियो इसे, जब तक किसी और को मौका नहीं दोगी तब तक भूलोगे कैसे उसे? मतलब कुछ नहीं है भी। चीयर्स। अतुल ये क्या थी यार ये ड्रिंक, मेरा सर घूम रहा है बहुत ज्यादा। अरे कुछ नहीं, बस तुम्हें ऐसा सही लग रहा है। नहीं यार मेरा सच में बहुत ज्यादा घूम रहा है। श्वेता 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 यार आई रियली लव यू यार, देखो देखो मेरे धड़कने कितनी तेज हो रही है श्वेता। अतुल मैं तो मैं घर जा रही हूँ यार, मेरे को ठीक नहीं लग रहा कुछ। ओए एक बार, एक बार, सिर्फ एक बार अपनी नोटों को मुझे छूने। अर्जुन, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। किसी को कुछ खबर नहीं होगी। ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगी। मंजीत। हेलो, हाँ मंजीत भाई। भाई मैंने ना श्वेता और अतुल को लेक पे बैठे हुए देखा था भाई, वो शाम को जो ना श्वेता को घर बुलाने की बात कर रहा है और मुझे पक्का पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है भाई। तुम जैसे भी हो शाम को उसके घर पहुंच जाना और अगर ज़रूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना भाई, ठीक है भाई? सारे शर्म, मैं तो इतना घिनौना काम करते हुए तेरी आंखों में हवस ना बड़े दिन से झलक रही थी, पर साला ये अंधी थी ना जिसे कुछ दिखा नहीं।
बेस्ट फ्रेंड होने की ये कीमत पता किया तूने? तो जब यार मैं क्या ही बोलूँ, तो सारा सिक्का अपना खोटा हो तो दूसरे को क्या बोलना। अब आराम है, दिखा देना इसने अपनी औकात। क्यों, तेरा तो बेस्ट फ्रेंड था ना ये, तो किसी के साथ भी कहीं भी चली जाती है, किसी के साथ भी बैठ के दारू पी लेती है। मंजीत यार, मेरा ना कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था यार। बात कर रहा हूँ अभी, और देखनी इसकी इंटेंशंस। इसके लिए थप्पड़ मारा था ना तूने मुझे, इस हफ्सी के लिए, इडियट। यही बात मैं तुझे कब से समझा रहा था। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर मैं वहां सही समय पे नहीं पहुंच पाता तो? शायद बात सिर्फ रोने की नहीं है, अगर तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हें कुछ समझा रहा है तो उसको प्लीज ऑर्डर मत समझो, और तुम्हारे भले के लिए कुछ बोल रहा होगा। देखो फ्रेंडशिप की भी एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है, तुम्हें किसके साथ कितना फ्रैंक होना है इसका डिसीजन तुम्हें खुद लेना है। और देखो खाली हम ही नहीं है जो इस सिचुएशन के अंदर हैं, और भी कितने कितने कपल होंगे जो इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। चलो अभी यहाँ से पहुँचो और बताओ क्या खाओगे। तुम तो बोलोगे नहीं, आइसक्रीम खाते हैं ठीक है, पर लेंगे एक और खाएंगे दोनों। Hey guys, I hope you like this video. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और कमेंट करके बताना सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा, सबसे अच्छा डायलॉग आपको क्या लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंडों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ना यार हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग शेयर करते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये येलो कलर का बटन आ रहा है ना, यहाँ क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं दोनों के, हम दोनों को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना रेगुलर अपडेट्स के लिए, कौन सी वीडियो आ रही है कौन सी नहीं आ रही, आपको वहाँ मिलता रहेगा। और लव यू, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि नई अपडेट आपको बेल आइकन से ही मिलेगी।